बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने पैरामेट्रिक क्यूरीज की डिटेल्स आपसे शेयर की थी कि आप क्यूरीज के अंदर पैरामीटर्स को किस तरह से पास करवा सकते हैं और उस पैरामीटर के थ्रू आप किस तरह से अपने डाटा को फिल्टर आउट करवा सकते हैं टेबल में से। आज के लेक्चर में हम कैलकुलेशन इन क्यूरीज की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे, यानी आप क्यूरीज के अंदर कैलकुलेशन को किस तरह से परफॉर्म करवा सकते हैं। यानी अगर आप एक टेबल है जो कि मल्टीपल सैलरीज पर मुश्तमिल है, तो उनमें से आप मिनिमम सैलरी वाले रिकॉर्ड को अगर डिस्प्ले करवाना चाहें या मैक्सिमम सैलरी वाले रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना चाहें, तो वो आप किस तरह से करवा सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक टेबल मौजूद है एम्प्लॉय का, जिसमें 3 रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। और यहाँ पर दोस्तों, हम सबसे ज्यादा सैलरी वाले एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, रिट्रीव करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्यूरी डिजाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इस एम्प्लॉय के टेबल को ऐड करवाएंगे। इसके बाद आप इस शो टेबल की विंडो को क्लोज कर देंगे और आप इस एम्प्लॉय की जो जो डिटेल्स रिट्रीव करवाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं इसका फर्स्ट नेम देखना चाहती हूँ, लास्ट नेम देखना चाहती हूँ, जॉब टाइटल देखना चाहती हूँ और सैलरी देखना चाहती हूँ। इसके बाद दोस्तों, आप इस डिजाइन टैब में मौजूद टोटल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा टोटल का। अब दोस्तों, आप इस जब ग्रुप डाउन के आगे ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो तमाम कैलकुलेशंस आ जाएंगी जो कि एमएस एक्सेस डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। तो आप इस मैक्सिमम पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से ग्रुप यहाँ पर भी आप मैक्सिमम पर क्लिक करेंगे और तमाम फील्ड्स के आगे ग्रुप बाय के अंदर जो मैक्सिमम का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। के बाद दोस्तों, हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो आपके सामने उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रिट्रीव हो चुका है जिसकी सैलरी जो है इनमें सबसे ज्यादा है, जो कि है 45,000। तो दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी टेबल के ऊपर ये तमाम कैलकुलेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि टेबल में आप सम कर सकते हैं, काउंट मालूम कर सकते हैं, इस तरीके से मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, एवरेज अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे लेक्चर का अख्तिताम हुआ। अगले लेक्चर में हम आपको क्रिएट डुप्लीकेट क्यूरी की डिटेल्स फराहम करेंगे। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर एक टेबल में सेम रिकॉर्ड मौजूद है तो उसको आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।